भाई दोस्तों, राम राम। आज शाम को मैं अपना जॉब से आ रहा था, तो वो आते हुए मैंने देखा कि मार्केट के अंदर जो ना जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले हैं, बाद बाकी जो फल सब्जी वाले हैं और कपड़े वाले हैं और इलेक्ट्रिक सामान वाले हैं ना, उनके यहाँ पे तीज त्योहार तो है हमारा, लेकिन वहाँ उतनी रौनक नहीं थी। तो मैं ये सोचा कि भाई एटलीस्ट त्योहार अपना है लेकिन इनके पास रौनक नहीं है, ये लोग बेचारे बड़े मायूस से खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे दिमाग में एक चीज़ आएगी कि हम लोग जो है ना मानते हैं कि ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पे निर्भर हो गए हैं, लेकिन जब कोई तीज त्यौहार या फिर कोई भी फंक्शन आए ना, तो दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए अपने घर परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ निकल के ऑफलाइन सामान लिया करें, चाहे वो छोटा सामान हो, बड़ा सामान हो, सब्जी हो, आटा हो, दाल हो, कोई भी सामान हो। दोस्तों, अगर हम ऑफलाइन लेते हैं ना, तो उससे क्या है कि हमारे देश के पैसा हमारे देश में ही रहता है और हमारा जो आस पड़ोस का माहौल है वो भी अच्छा बनता है। एक आपके बगल में एक सब्जी की दुकान है, एक किराना का स्टोर है, एक कपड़े की दुकान है, एक मोबाइल की दुकान है, ये सारे किस आस में दुकान खोलते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि उनकी दुकान से भी कोई सामान ले। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ऑफलाइन ही प्रीफर करो, मैं ये कहता हूँ कि भाई ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन भी लो, ताकि उन लोगों का भी गुजारा चल सके। आप ही सोचिए, अगर आपका घर होता, आपका दुकान होती और आपके रिश्तेदार आपसे सामान ना लेके ऑनलाइन ले लेते, तो आप क्या करते? आपको भी महसूस होता ना। तो दोस्तों, इसी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोई यहाँ से बाहर का बिल गेट्स या फिर कोई और बड़ी हस्ती नहीं आएगा, अपनी अर्थव्यवस्था हमने खुद संभालनी है, उसके लिए हम लोगों ने अपनी कोशिश करनी है। और आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए जो है ना हमारा रात दिन में मतलब अर्थव्यवस्था को जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बना सकते हैं। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि जितना आप ऑफलाइन कितना थोड़ा सा परिवार को समय दीजिए, दोस्तों के साथ जाइए, उन्हें भी अच्छा महसूस होगा। आप ऑनलाइन मंगा लेंगे, फोन आपके पास आ जाएगा, लेकिन क्या किसी को पता चलेगा? जब यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। इसलिए अगर ऑफलाइन जाएंगे तो दोस्तों के साथ घूमने का माहौल भी है और तीज त्यौहार भी है, और कोरोना काल के बाद में भी ये पहली बार ऐसा मौका आया है जिस समय मैं थोड़ा सा रिलैक्स है। तो दोस्तों, ऑफलाइन को प्रीफर करो, घर का पैसा घर में रखो, मतलब अपने देश का पैसा देश में रखो। ऑफलाइन जो कंपनियां मतलब सामान ला रही हैं भैया, वो आपको सस्ता तो देती हैं, लेकिन वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? विदेशों में जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपका पैसा देश में ना रह के विदेश में जाए? तो भाई थोड़ा सा महंगाई सही, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका पड़ोस अच्छा है। अच्छा, आप एक चीज़ सोचो, रात को अचानक आपको सिर में दर्द हुआ, आप ऑनलाइन किसी को बुलाओगे या फिर आपको पड़ोसी काम आएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कौन काम आएगा? ऑफलाइन काम आएगा, ऑनलाइन काम आएगा? भाई हर जगह हमारे ऑफलाइन ही काम आता है। तो इसलिए दोस्तों, कोशिश करो कि जितना हम ऑफलाइन सामान खरीद सकते हैं और ऑफलाइन जितना सहयोग कर सकते हैं करें, कारण है कि ये सब हमारे आस पड़ोस का माहौल है, ये बनाने से ही बनता है। इनके लिए कोई बाहर से कोई अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए नहीं आएगा। खैर, मन थोड़ा उदास था, सो मैंने अपने थॉट्स आपके साथ शेयर किया। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे वीडियो को शेयर करो, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे चैनल को लाइक करो या सब्सक्राइब करो, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भाई जितना हो सके ऑफलाइन, एक कस्टमर को, एक दुकानदार को, एक घर परिवार चलाने वाले मालिक को, उसको थोड़ा हक दो, ताकि वो भी अपनी दिवाली दशहरा और अपने त्यौहार अच्छे तरीके से मना सके। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, और नहीं अच्छा लगा तो आगे मर्जी आपकी है, कारण है कि जो कुछ है आप ही हैं। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय श्री राम।